हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और आज हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मेरा नाम है सौरभ, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 4 से 5 क्वेश्चन का एवरेज अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस चैप्टर से नीट में। तो आपको 20 मार्क्स ये चैप्टर कवर करेगा, तो थोड़ा सा इस चैप्टर पे पकड़ बनाने की ज़रूरत है हमको। तो बहुत ही अच्छे से हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, वो आज ये पहला लेसन है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी हमें क्लासिफिकेशन की? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, कोई क्लासिफिकेशन पैटर्न नहीं था जिसके आधार पर हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकें कि हाँ ये यूकैरियोटिक है या ये प्रोकैरियोटिक है, या इनके पास सेल वॉल है इनके पास सेल वॉल नहीं है। कोई हमारे पास प्रॉपर ग्रुप नहीं था कि कुछ भी नहीं था कि एनिमल और प्लांट में भी हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थे कि कौन से ग्रुप में रखा जाए, तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले अरिस्टोटल सर ने इसको सबसे पहला अटेम्प्ट अरिस्टोटल सर ने दिया, और इन्होंने सिंपली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर यूज़ किए। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन दिया। उसमें प्लांट्स को इन्होंने 3 में बांटा, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज में, और ऐसे ही एनिमल्स को इन्होंने 2 ग्रुप में बांटा। पहला ग्रुप इन्होंने इनाइमा बोला और दूसरा ग्रुप अनाइमा। इनाइमा में इन्होंने क्या किया, जिसके जिनका रेड ब्लड है यानी खून जिसका लाल है उनको इनाइमा में रखा, और जिनका लाल नहीं है उनको अनाइमा में, यानी ए से एबसेंट और ए से अनाइमा, आप याद रख सकते हैं। फिर आया लाइनियस का टाइम। लाइनियस ने क्या किया कि लाइनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने सिंपली प्लांटी को रखा और दूसरा एनिमेलिया को रखा। प्लांटी में सारे प्लांट्स और एनिमल्स में सारे एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली उन्होंने कैटेगराइज किए। तो उनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने जो डिवीज़न दिया उसके आधार पे देखते हैं, तो उन्होंने प्लांटी जिनके पास सेल वॉल है, एनिमल जिसके पास सेल वॉल नहीं है, बेसिक चीज़ आप सभी को पता होगी, इसमें इन्होंने बैक्टीरिया रखे, आर्किबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, साइनोफाइसी हैं, और ये फिर यूगुलिनो क्लोरोफाइसी है, ऐसे करके इन्होंने एल्गी और फंजाई प्लांट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म तक इन्होंने सभी को किंगडम प्लांटी में कर दिया। उसके बाद एनिमेलिया में इन्होंने क्या किया कि प्रोटोजोआ को लिया, पोरीफेरा को लिया, और ये निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी, हेलमतीज, नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकोडेटा कॉर्डेटा। आपको ये टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली बस आपको इतना याद रखना है कि इन्होंने किस में किसको को किस ऑर्गेनिजम्स को किस में इन्होंने रखा। जैसे प्लांटी में इन्होंने बैक्टीरिया को रखा, फंजाई को रखा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म को रखा, वैसे ही एनिमेलिया में आपको इनके अलावा जितने भी थे वो उन्होंने एनिमेलिया में रख दिए। सिंपली प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, इस टाइप में कॉर्डेटा तक इन्होंने रखा। इसके बाद इनकी डीमेरिट्स, इनकी कमी क्या रही, इन्होंने क्या किया कि दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। पहली कमी इन्होंने क्या बोलते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिस्टिंग्विश नहीं था अच्छे से, और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का इन्होंने सही से नहीं बता पाया। उसके बाद फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिजम्स, इनको भी इन्होंने सही से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। इसके बाद दूसरी इनकी कमी ये रही कि प्लांट्स और एनिमल्स जो कि इन्होंने बहुत अच्छी कैटेगरी बनाई, बहुत इजी टू अंडरस्टैंडेबल थी, लेकिन इनके
लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे वो कोई भी कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहे थे. अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी. लेकिन काफ़ी समय तक टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये चलता रहा. अब यहाँ पे मैंने आपके जितने भी साइंटिस्ट के नाम हैं, नीट में पूछे जाने वाले साइंटिस्ट के नेम एक साथ मैंने कैटेगराइज कर दिए हैं. बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी सन में रखा है और कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा किंगडम सिस्टम दिया है. तो जहाँ जहाँ मैं सर्कल बनाऊँ वहाँ वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है. जैसे कि टू किंगडम सिस्टम कार्लियस लैंडोनियस ने दिया था 1978 में. इन्होंने क्या किया, प्लांटी सेल वॉल एनिमिलिया विदाउट सेल वॉल दो किंगडम बनाए इन्होंने, प्लांटी और एनिमिलिया. इसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हीकल ने दिया 1866 में. इसमें इन्होंने प्रोटिस्टा को रखा, जितने प्रोटिस्टा ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांटी को रखा और एनिमिलिया को रखा. उसके बाद फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन रखा कॉपलैंड ने 1956 में. इन्होंने मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट और प्लांटी और एनिमिलिया चलता आया है. इसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया, आर एच वाइटेकर ने. आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, कई बार ये आपको बोर्ड्स के एग्जाम में और उसमें नीट में तो आप नीट में आपको मिलेगा ही मिलेगा. वाइटेकर 1969. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी. कोई भी किंगडम डिलीट नहीं हो रहा है, बस ये है कि एक किंगडम हर एक क्लासिफिकेशन में एक या दो सिस्टम बढ़ते चले जा रहे हैं. जैसे टू में टू किंगडम सिस्टम में दो थे, थ्री किंगडम सिस्टम में थ्री हो गए, फोर किंगडम सिस्टम में फोर हो गए, फाइव में फाइव. ऐसी सिक्स किंगडम सिस्टम कार्ल गूज ने दिया था 1990 में. इसको इन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम भी कहा. इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि मोनेरा की दो वेराइटी दो क्या बोलते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आर्किबैक्टीरिया और यूक बैक्टीरिया. और प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एज सेम एज गिवन अबव. और इन्होंने डोमेन क्या बनाया, आर्की का एक डोमेन बनाया, एक डोमेन बैक्टीरिया का बनाया, एक डोमेन बनाया इन्होंने यूकेरिया का. सिंपली आपको याद रखना है. तो आपको यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम इम्पोर्टेंट है और किसने कौन सा सिस्टम दिया आपको ये भी याद रखना है, ठीक है. तो अब हम मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम की बात करें तो आर एच वाइटेकर का 1969 वाला किंगडम सिस्टम सबसे एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है. और इन्होंने क्या किया कि फाइव किंगडम बनाए थे, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमिलिया. जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया आपको, इनका मेन क्राइटेरिया क्या था, सेल स्ट्रक्चर है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स. अब एक सिंपली चार्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल आपको याद हो जाएगा. जो डीमेरिट्स थी लाइनियस की वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएंगी. जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाली बात, पहली जो कमी थी इनकी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक आर एच वाइटेकर ने ख़त्म की. प्रोकैरियोटिक में इन्होंने मोनेरा रख दिया और यूकैरियोटिक में बाकी फोर जितने फोर किंगडम है वो यूकैरियोटिक में आते हैं. सिंपली आपको याद हो जाएगा, याद होने हो जाना चाहिए. फिर उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में किया, जो जो कि ड्यूमेरिट वहाँ पर भी थी लाइनियस के टाइम पे, इन्होंने उसको ख़त्म किया. क्या किया कि यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा को रख दिया और मल्टीसेलुलर में बाकी तीन क्या बोलते किंगडम आ गए. उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि जिनके पास सेल वॉल है और जिसके पास सेल वॉल नहीं है. तो आप सभी को बताया कि सेल वॉल किसके पास नहीं होती है, एनिमिलिया को छोड़ के बाकी सभी के पास सेल वॉल होती है. तो ये एनिमिलिया जिनके पास सेल वॉल नहीं है. अब ऐसे ही हेटरोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं और जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, हेटरोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक जिनके पास सेल वॉल होती है उनके हिसाब से. तो उन्होंने प्लांटी और फंजाई रख दिया. तो आपको ये सिंपली याद हो गया होगा, ठीक है. आगे चलते हैं, ये एनसीईआरटी की टेबल है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. अब बस ये यहाँ पे जहाँ जहाँ सर्किल बनाए वहाँ वहाँ आपको इम्पोर्टेंट है. पाँच मुश्किल से आपको दो मिनट में मैं पूरी टेबल समझा दूँगा, बहुत ही सिंपल है. तो करेक्टरिस्टिक वही है, पहला नंबर सेल टाइप, दूसरा नंबर सेल वॉल, तीसरा नंबर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और चौथा नंबर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद पाँचवा नंबर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो इन्होंने क्या किया कि मोनेरा में सिर्फ मैंने पीछे आपको टेबल बनाई थी तो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक बताया कि तो मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारी यूकैरियोटिक है. तो आपको याद हो गया,
तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक। हाईलाइट करने वाली चीज़ सिर्फ मोनेरा है हमारे पास, बाकी सब तो यूकैरियोटिक हैं ही, तो आपको याद ही हैं। इसके बाद सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में क्या है कि एब्सेंट किसके पास है, एब्सेंट है एनिमेलिया में। तो एक ये थोड़ा आपको याद रखना है कि सेल वॉल एब्सेंट किस में होती है, एनिमेलिया में होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होगी। देखिए जैसे मोनेरा के बैक्टीरिया की अगर बात करें तो नॉन सेलुलोजिक होते हैं, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टाम क्या होता है, प्रेजेंट इन सम। और फंजाई में जो होती है प्रेजेंट तो होती है लेकिन सेलुलोज नहीं होता। और प्लांटिंग तो आप सभी जानते हैं कि सेलुलोज से ही सेल वॉल बनती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सब लोगों अगर क्या बोलते हैं क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होती है, तो मोस्टली लोग एनिमेलिया पे टिक कर देते हैं। लेकिन नहीं, एनिमेलिया पे टिक नहीं करना होता, आपको मोनेरा पे टिक करना होता है, क्योंकि सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग अलग चीज़ हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमेलिया में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है मोनेरा में। तो ये एब्सेंट इधर हो गई, बाकी सब प्रेजेंट है, तो आपको याद है। इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का मेकअप कैसा है, तो किस सेल मतलब कितने सेल से बनी हुई है, यूनिसेलुलर है मोनेरा, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, बाकी सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं। तो मल्टीसेलुलर में फंजाई मल्टीसेलुलर है, लूज टिशू वाली है, और प्लांटी में टिशू और ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। इसके बाद एनिमेलिया में क्या है कि टिशू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, किंगडम एनिमेलिया जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छे से बताऊँगा कि ऑर्गन सिस्टम और ये टिश्यू ऑर्गन किस बेसिस पे इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिया है, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक मोनेरा में जो कि कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है और फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम ये मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही होता है, फंजाई सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रॉफिक और प्लांटी ऑटोट्रॉफिक, आप सभी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद एनिमेलिया की बात करें तो हेटरोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं एनिमेलिया बस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको, थोड़ा सा आपको ध्यान से लगाकर पढ़ना है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ। उसके बाद बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में सोल मेंबर जो होते हैं किंगडम मोनेरा के वो बैक्टीरिया ही होते हैं। तो मोनेरा में बैक्टीरिया जो होते हैं सोल मेंबर्स होते हैं। इनका हैबिटेट क्या क्या होता है, हैबिटेट ये तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाए जाते हैं, 100 बैक्टीरिया। अगर आप एक मिट्टी लेंगे तो उसमें 100 बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। इसके बाद एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, डिजर्ट्स में रह सकते हैं, इसके बाद स्नो एंड डीप ओशंस में रह सकते हैं, और फ्यू जो होते हैं वो कि जो सर्वाइव कर सकते हैं। जहाँ पे कुछ लाइफ फॉर्म सर्वाइव तक नहीं कर पाती हैं वहाँ ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स एज अ पैरासाइट के रूप में भी। आपको पता है कि हमारे अंदर जितने बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से काफ़ी क्या बोलते हैं हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिजीज़ हो जाती हैं, साल्मोनेला टाइफाइड टाइफाइड हो जाता है इस टाइप में। तो अगर हम साइज और शेप की बात करें बैक्टीरिया की, तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया का साइज का रेंज जो होता है कि 5 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है। ये आपको दो जगह याद रखना पड़ेगा कि हो सकता है एक तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बन जाए, वरना सेल वाले से तो बनेगा ही बनेगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज उधर भी दिया हुआ है। तो आपको बैक्टीरिया का साइज RBC का साइज आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके बाद क्योंकि यहाँ अभी हम बैक्टीरिया की बात करें तो सर हम बैक्टीरिया की साइज की बात करेंगे, जब हम सेल की बात करेंगे तब हम RBC का भी शायद आपको बताएंगे जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद इसको हम शेप के हिसाब से 4 कैटेगरी बांटते हैं, कोकस, बेसिलस, विब्रियम और स्पायरुलम। अगर सिंगुलर है तो ये है, वरना अगर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो और स्पायरुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका शेप के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है, शेप के हिसाब से 4 कोकाई, बैक्टीरिया, बेसिलई और स्पायरेला और विब्रियो। विब्रियो कॉमा शेप्ड, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो बेसिलस रॉड शेप, स्पायरेलम स्पायरेला शेप।
हो गया आपको याद, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फ्लामेंटस भी हो सकते हैं, देयरफॉर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है किसमें, किंगडम मोनेटा में, यानी बैक्टीरिया में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, क्रोमेटिन नहीं है और स्टोन प्रोटीन नहीं है। तो आपको ये वाला थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि बैक्टीरिया हैविंग स्टोन प्रोटीन्स और नॉन स्टोन प्रोटीन। तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया में जो होती है वो नॉन स्टोन प्रोटीन होती है। न्यूक्लियोइड और जीनोफोर जो होता है या इन इक्लिप्स न्यूक्लियस होता है जो बना होता है नेकेड डीएनए का, खुला हुआ डीएनए होता है, या आरएनए का होता है, डीएनए आरएनए एंड नॉन स्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, 70S का होता है राइबोसोम। सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक्सेप्शन कहाँ है, आर्किबैक्टीरिया में नहीं होती है और माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। रेस्पिरेटरी एंजाइम एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेग्स स्पिंडल फॉर्मेशन, एमाइटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन देखा जाता है। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया आपको देखिए तो ये इसका साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड, कैप्स्यूल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई है, उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम 70S टाइप, याद रखना है आपको, आपको कि राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। उसके बाद ये हो गया पिलाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टेनिंग की बात करते हैं। बैक्टीरियम काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है जो कि डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने दिया। उन्होंने क्या किया कि सिंपली स्टेन किया क्रिस्टल वायलेट के साथ और उसको धुल दिया इथाइल अल्कोहल में, और ऐसे बैक्टीरिया जिनका वायलेट कलर रिटेन हो गया यानी रिमेन्स यानी बच गया, तो उनको उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल दिया, और ऐसे बैक्टीरिया जो कलरलेस हो गए उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, इसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्यू टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पेप्टाइल लिंकेजेस। ये क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेप्टाइल लिंकेजेस दोनों होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेप्टाइल लिंकेज होते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल जो होती है वो काफ़ी डेंस हो जाती है, डेंस मेसवर्क बनाती है, जिसकी वजह से जो स्टेन जो होता है वो बाहर नहीं आ पाता, यानी कि कलर सेम कलर उसमें से रिमेन बच जाता है एज सच। और जो आउटर लेयर जो होती है वो टिकोइक एसिड की बनी होती है। इसके बाद अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू ओनली वन टाइप ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो आपको याद रखना कि या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेजेस होंगे, इसमें दोनों नहीं होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डेंस की जगह लूज हो जाता है सेल वॉल, लूज मेसवर्क बनता है और स्टेन जो होती है वो ईजिली कम आउट बाहर आ जाती है। लेकिन फर्दर आउटर लेयर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है इस बात को। तो इसकी आउटर बनी होती है टिकोइक एसिड की और इसकी बनी होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की, ठीक है आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन में सिंपली आपको याद रखना है कि सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, और जो वास्ट मेजॉरिटी है वो हेटरोट्रॉफिक होती है, डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। और कुछ होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं, जो अपना डेड ऑर्गेनिक मैटर फूड जो सड़े गले भोजन है उस पर सर्वाइव करते हैं, और कुछ तो होते हैं पैरासाइट और सिम्बियंट, ठीक है। न्यूट्रिशन का सिंपल है, उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं मेनली रिप्रोड्यूस फिजन के द्वारा करते हैं, फिजन, और इनमें एमाइटोटिक डिवीजन होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि इसमें एमाइटोटिक डिवीजन होता है। इसके बाद सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स बना लेते हैं, जब उनकी कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं, और दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी थोड़ा सा इनमें होता है प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर टेक्निक के द्वारा। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीन कैटेगरी बनाई हैं, तो इसमें पहला वेजिटेटिव में आप फिजन, ये आपको मैंने अभी बताई फिजन जो कॉम्युनिस्ट मेथड है, और फेवरेबल कंडीशन है तो फिजन करता है। सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल, पहले चैप्टर में आपको बाइनरी फिजन में पढ़ा चुका हूँ, तो आपको पहला वीडियो आपको
देखने की आवश्यकता होगी अगर आपको फिजन नहीं आता है तो। उसके बाद इन केस ऑफ इकोलाई जो होता है वो 20 मिनट में सिंपली डिवाइड हो जाता है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये टाइमिंग दी गई हुई है, तो इकोलाई की टाइमिंग आपको याद रखनी है कि 20 मिनट के अंदर पूरी डिवाइड हो जाती है। बडिंग जो होती है बहुत रेयर मेथड है और इसमें क्या होता है कि वही टू अनइक्वल साइज ऑफ डॉटर सेल डिवाइड हो जाते हैं, इसको बडिंग कहते हैं। हमने पहले देखा था ईस्ट में, उसका एग्जाम्पल देखा हमने, समझाया था तो आपको वहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स भी कैसे हैं, एंडोस्पोर्स, कॉनिडिया बहुत रेयर मेथड है, और तीसरा जूस्पोर्स ये भी रेयर मेथड है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव डीएनए टेक्नोलॉजी डीएनए ट्रांसफर की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है डायरेक्ट डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है कुछ भी बिना किसी मीटिंग के। इसके बाद ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट होता है इन बैक्टीरिया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सिनगेमी एंड मियोसिस। सिनगेमी और मियोसिस नहीं होती है, इसकी वजह से इनका सीधा डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो सीधा ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को इन्होंने टू सब किंगडम्स में रखा है। पहला है आर्किबैक्टीरिया क्या होते हैं कि स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज अक्साल्टी एरियाज को हेलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग को थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं, और मार्स एरिया को मैथेनोजेंस बोलते हैं। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, मोस्टली आर्किबैक्टीरिया जो होते हैं इनको हम सुपर बैक्टीरिया भी कह सकते हैं एक प्रकार से। तो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में हेलोफाइल्स होते हैं और हॉट स्प्रिंग में थर्मो एसिडोफिल्स, मार्स एरिया मेथनोजेंस में। ये मतलब अपनी लाइफस्टाइल करते हैं। इसके बाद आर्किबैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी जो डिफरेंट सेल वॉल जो होती है स्ट्रक्चर इनको अलग बनाती है, जिसकी वजह से सर्वाइवल ऑफ एक्सट्रीम इन कंडीशन जो इनको क्या होता भाई कि सेल वॉल जो होती है म्यूरेमिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होते। मैंने आपको जब स्टार्टिंग सेल वॉल कंपोजिशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन है, कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है, साइनोबैक्टीरिया में और दूसरा आर्किबैक्टीरिया में। तो म्यूमेरिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है सेल वॉल में, आपको याद रखना है, और बाकी सब में तो हो गई। लिपिड मेम्ब्रेन क्या होती है, ब्रांच्ड चेन है, डिक्रीजेस मेम्ब्रेन फ्लूडिटी एंड इंक्रीजिंग टॉलरेंस टू फ्लूडिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से एक्सट्रीम कंडीशन से टॉलरेंस बढ़ जाती है। मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट्स एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। आजकल ये काफ़ी बड़ा क्या बोलते हैं बायोगैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें ये बैक्टीरिया का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ये रुमिनेंट्स की गट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि रुमिनेंट्स कौन कौन से, काउज हैं, बफेलोज हैं, वहाँ ये क्या करते हैं कि उनके जो डंग होता है वहाँ से मीथेन को या मीथेन गैस या बायोगैस, मीथेन गैस यानी CH4 इसको ही हम क्या बोलते हैं बायोगैस भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यू बैक्टीरिया, दूसरा सब किंगडम यू बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया कि इसमें सेल वॉल और रिजिड के हिसाब से अगर मोटाइल है तो फ्लैजेलम, उसके बाद न्यूट्रिशन के हिसाब से इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया। पहला फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं फोटोसिंथेटिक होंगे, वो लाइट को उनका प्राइमरी सोर्स है। उसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होंगे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वायरिडिन भी होता है उनके क्रोमेटोफोर में। उसके बाद क्रोमेटोफोर आर थैलाकॉइड प्रेजेंट फ्रीलिन साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक इन एन ऑक्सीजेनिक टाइप डू नॉट इवॉल्व O2 एज दे लैक फोटो सिस्टम सेकेंड एंड ऑल्सो डू नॉट यूज H2 एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन को नहीं लेते हैं ये, इसकी जगह क्या करते हैं H2S NH3H2 को लेते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्लोरोबियम है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्रोमेटियम है, साइनोबैक्टीरियम नोस्टोकनाविना, और ये इसको हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लूग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्लोरोफिल इनमें फाइकोबैलेंस होता है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन एंड फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम अभी आगे भी पढ़ेंगे तो टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद दूसरा इन्होंने किस पे डिवाइड किया, क्विमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। क्विमोसिंथेटिक क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया है
उसको यूज़ करके एनर्जी का एटीपी को रिलीज कर देते हैं। उसके बाद दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। आप मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि बैक्टीरिया को का कैसे वहाँ पे रोल है इनका। तो ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे नाइट्रोफंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनासो नाइट्रोबैक्टर, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। इसके बाद एटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा यही होते हैं, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर यू बैक्टीरिया में। तो डिकम्पोजर्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासिटिक और संबाइंड भी होते हैं, और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। और बैक्टीरिया वाली ये इसका ये सब तो हम उसमें पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, उसमें आपको डोमेस्टिक पर्पज और केमिकल इंडस्ट्री और भी काफ़ी सारे क्या बोलते हैं बैक्टीरिया के रोल हैं वहाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहला इसका काम क्या है, काम क्या है, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, मिल्क से कर्ड बनाना लैक्टोबैसिलस का काम है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंटीबायोटिक्स जो बनती हैं वो किससे बनती, बैक्टीरियाज बनती है। तो इसकी जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस कैटेगरी उन्होंने ले ली। इसके बाद लेग्यूम प्लांट्स की फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूम प्लांट्स में, जिसको जैसे कि राइजोबियम। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया को हम बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी। तो आपको इन तीनों चारों में से कोई भी नाम मिलेगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब आपको क्लियर होगा कि या तो हम साइनोबैक्टीरिया बोलें या बीजीए बोलें या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलें, मिक्सोफाइसी बोलें या साइनोफाइसी बोलें, बात एक ही है। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया की खासियत क्या, खासियत ये है कि यूनिसेलुलर हैं, ऑल बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉलोनियल हैं, फिलामेंटस हैं। इसके बाद फ्रेश वाटर मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जेनेटेनियस सीथ, सेलेंटेनियस सीथ की बनी होती हैं। लाइक देयर बैक्टीरिया दे रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होगा। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करते हैं। These were the first organisms who add oxygen to our environment. ऑक्सीजन में एनवायरमेंट इनने सबसे पहले मतलब ऐड की। इसके बाद नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन एग्जिस्टेंस ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन और एग्जिस्टेंस के लिए भी काफ़ी रेस्पॉन्सिबल है। सम ऑफ दीज नोस्टॉक एंड एनाबीना कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, स्पेशलाइज सेल्स और हेटेरोसिस्ट होती हैं, देयरफॉर इकोनॉमिक यूजर सेल्स। आगे डायग्राम है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हेटेरोसिस्ट होती हैं वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, और बैक्टीरिया में एग्जाम्पल है नोस्टॉक और एनामिया। इसके बाद ओसिटोलोरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओसिटोलोरिया का काम क्या है कि ये वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर है। आप तो अपने नोट्स में इसको जगा दें कि ओसिटोलोरिया इंडिकेटर है। इसके बाद स्पायरुलिना जो होता है ये आप सभी जानते हैं कि रिच प्रोटीन कंटेंट में होता है, 70% होता है, इसीलिए इसको न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है। और ट्राइकोडर्मियम इराइथियम जो रेड कलर रेड सी में है वो इसकी वजह से ओलोसिया इनोकुलेटेड एंड राइस फील्ड एज अ फर्टिलाइजर, इनोकुलम की तरह इस्तेमाल करते हैं ओलोसिया का, जो कि राइस फील्ड में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करती है। और ऑफन ब्लूम्स इन पॉलिटेड वाटर एरिया, यू बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो सॉरी साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं कि ब्लूम्स को प्रोड्यूस करते हैं पॉलिटेड वाटर बॉडीज में। अभी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद रखना कि हेटेरोसिस्ट जो अंदर की सेल्स में है वो हो गया आपका हेटेरोसिस्ट, ये वाला जो है ये हो गया आपका हेटेरोसिस्ट। और ये जो बाहर की जो कवरिंग है ये हो गई म्यूसिलेजिनस सीथ। तो सिर्फ दो हैं, यहाँ ए कर देंगे, यहाँ बी बोल देंगे और बताएंगे बताओ कि क्या बोलते हैं कौन सा क्या है। तो अंदर वाला जो हुआ वो हेटेरोसिस्ट है, बाहर वाला जो है म्यूसिलेजिनस सीथ है। इसके बाद माइकोप्लाज्मा लास्ट है ये। तो माइकोप्लाज्मा में क्या होता है कि पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नोकार्ड और रॉक्स थे जिन्होंने सबसे पहले प्लूरो फ्लूड ऑफ कैटल हैविंग बोवाइन प्लूरो निमोनिया डिसीज में इन्होंने देखा था। और क्या किया था कि माइकोप्लाज्मा है जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कम्प्लीटली
लेका सेल बॉल, इनके अंदर सेल बॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मास के अंदर, तो इसलिए इनका कोई डिफाइनेट शेप नहीं। भाई जब सेल बॉल ही नहीं है तो कोई शेप कैसे हो सकता है। इसके बाद इसको हम इसलिए हम इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इसके बाद दे आर स्मॉलेस्ट सेल्स और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ये सबसे इनके सेल्स बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट काफ़ी स्टार पॉइंट जिसे बोलेंगे, तो स्टार पॉइंट में यही है कि कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसके बाद मैनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल, उसके बाद ब्रिंजल, उसके बाद बिचेज ब्रूम इन प्लांट्स। माइक्रोप्लाज्मा आर यूजली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। क्या होता है कि माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, और ये क्या करते हैं कि उसकी सेल वॉल पर क्या बोलते हैं एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो किल कर देते हैं। और किसका इस्तेमाल हम करते हैं उसमें, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन का करते हैं, दैट्स एक्सोन मेटाबॉलिक पाथवेज। ये है माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर। आपको याद रखना है कि जो गोल 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 है वो इसका क्या होता है डीएनए हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, आउटसाइड छोटे छोटे सॉल्यूबल आरएनए, राइबोसोम्स 70S टाइप, इसके बाद सॉल्यूबल प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, आउटसाइड जो मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, सेल वॉल एब्सेंट है, आपको इतना याद रखना। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसको लाइक करें और कमेंट करके हमें अपना एक्सपीरियंस बताएं। इसके बाद शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो 11th में हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा सा मदद मिल सके। और बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। इसमें क्या है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इस लेक्चर के बाद। टेलीग्राम ग्रुप में सिंपली आपको क्या करना है कि यही लर्निंग क्लासरूम सर्च करना है, लर्निंग क्लासरूम। और वरना मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला लेक्चर बहुत ही जल्दी आएगा, मैं थोड़ा बिजी था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, अब रेगुलरली वीडियोस आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।